नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जब भी किसी शहर के इतिहास पर नजर डालते हैं तो उसकी समीक्षा करना बहुत जरूरी है। उल्लास नगर के स्थापना दिवस पर मुख्य बातें और मुद्दों को आपके सामने रख रहे हैं। सन 1947 में हिंदुस्तान आजाद होने के बाद इसे दो भागों में बांटा गया, एक भारत और एक पाकिस्तान। इस अखंड भारत में सिंधी भाषी बहुतायत से थे और साथ ही सिख समाज के लोग, कुछ गुजराती परिवार और मराठी भाषियों का भी समावेश था। तब हालात ऐसे थे कि विश्व युद्ध में फौज के लिए बनाई गई बैरिकों में विस्थापितों को ठहराया गया, क्योंकि और कोई पर्यायी व्यवस्था नहीं थी। तब यहाँ आए 90,000 लोगों ने अपना नसीब अपनी मेहनत और लगन से लिखा और शरणार्थियों से पुरुषार्थी बनकर दिखाया। आठ अगस्त 1949 को शहर की बुनियादी पत्थर रखते हुए तत्कालीन गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी ने इस शहर का नाम उल्लासनगर रखा। तब से लेकर आज तक इस शहर में इतने ज़्यादा बदलाव आ गए कि जिनकी समीक्षा करना बहुत जरूरी है। तत्कालीन सांसद और तब के नेताओं ने इस शहर में ऐसी सफाई व्यवस्था रखी कि लोग उल्लासनगर का नाम सुनते ही स्वच्छ नगर की कल्पना करते थे। कुछ बाग बगीचे थे, कुछ स्कूल कॉलेज, जनसंख्या इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए लोगों को नागरी सुविधा मिलने में कोई कमी नहीं रहती थी, क्योंकि नगर पालिका के नगर सेवक कर्मठ, ईमानदार और जनता के प्रति जवाबदेह थे। उन्होंने हर सुख सुविधा काफ़ी कम बजट की उल्लासनगर नगर पालिका के समय शहरवासियों को मुहैया करवाई, लेकिन आज परिस्थिति इसके उलट हो गई है। जब से उल्लासनगर नगर पालिका को महानगर पालिका बनाया गया है, तब से स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सुविधाओं के नाम पर नए नए टैक्स को जनता पर थोप दिया जाता है, परंतु वे सुविधाएं शहरवासियों को हासिल नहीं हो पा रही हैं, जिसके लिए वे टैक्स अदा कर रहे हैं। नगर पालिका के समय नगर अध्यक्ष के पास संवैधानिक पावर रहते थे और अधिकारी कर्मचारी भी स्थानीय थे, परंतु महानगर पालिका बनने के बाद खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई और आज शहर का नसीब उल्लासनगर मनपा आयुक्त से लेकर उपायुक्त स्तर के वे अधिकारी तय करते हैं, जो डेपुटेशन पर बाहर से आए हैं और शहर के लिए अनजान है। यही कारण है कि लाखों रुपए की वेतन और उनकी हर सुख सुविधाएं हेतु पैसे खर्च करने के बावजूद उनमें से कई अधिकारियों के भ्रष्टाचार और लापरवाही का खामियाजा इस शहर को भुगतना पड़ रहा है और यह सिलसिला आज भी जारी है। 8 अगस्त को उल्लासनगर का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि यह जन्म दिवस खस्ता हाल और जानलेवा सड़कों के बीच मनाया जाएगा। शहर में नलों से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो नहीं रही और आसमान से तबाही का पानी बरस रहा है। नाला सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति ही की जा रही है, जबकि अवैध निर्माणों ने शहर की सूरत ही बिगाड़ कर रख दी है। साफ सफाई के नाम पर मनपा प्रशासन बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्चा कर दिया है, परंतु हालात क्या हैं ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। शहर में बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, मनपा प्रशासन खामोश और लापरवाह बना हुआ है। शहर में धोखादायक इमारतों के लिए कोई पर्याय नहीं है, लोग अपने घरों से बेघर हो रहे हैं, उनके लिए यहाँ के नेता कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं और धीरे धीरे शहर से लोगों का पलायन शुरू है। कुल मिलाकर जिस शहर का जन्म दिवस इतनी समस्याओं के बीच मनाया जाएगा, तो इस शहर की जनता का हाल क्या है, इस बात की तस्दीक अपने आप हो जाती है। बहरहाल सभी शहरवासियों को उल्लासनगर के जन्म दिवस की ढेर सारी बधाइयां। उल्लासनगर का स्थापना दिन 8 अगस्त है और ये स्थापना दिन के शुभ अवसर पर मैं उल्लासनगर वासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। उल्लासनगर की स्थापना 8 अगस्त को हुई है, इस 8 अगस्त को स्थापना हुई और आज लगभग उसको 70 साल पूरे हुए हैं। इस 70 साल में जो कुछ उल्लासनगर का उल्लास दिखना चाहिए था वैसा नहीं दिख रहा है, उसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टियां जवाबदार है।
उल्लासनगर में आज के तारीख में आपने देखा तो बहुत ही हालत ख़राब है उल्लासनगर की, सड़कों की हालत ख़राब है, पानी के लिए लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, यह व्यापार तो यहाँ ही पे, यहाँ उल्लासनगर में कुछ लोग कर रहे हैं व्यापार, उल्लासनगर में करते हुए भी उल्लासनगर के बाहर जाना, उल्लासनगर के बाहर जाके कल्याण, अंबरनाथ और नवी मुंबई या थाना में जाकर रहना, वो भी हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। उल्लासनगर वासियों के लिए, उल्लासनगर के पॉलिटिक्स के लोग हैं जिनके लिए शर्म की बात है। उल्लासनगर के लोगों को उल्लासनगर छोड़ के जाने की नौबत क्यों आई, इसकी वजह मैंने जैसा कहा कि आप सब, हम सबको ढूंढना है और हम सब ढूंढेंगे तो उसकी वजह निकल आएगी और लोग उल्लासनगर छोड़ के जाएंगे नहीं, ऐसा मुझे विश्वास है। हाल ही में 26 जुलाई और अभी दो दिन पहले इस उल्लासनगर के आधे, लगभग आधे शहर में बाढ़ आई थी, लोगों के घर में पानी, बाढ़ का पानी आया था, लोग बाढ़ पीड़ित है, लोग संकट में है और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि उल्लासनगर के जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग हैं, नगर सेवक है, जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, इन लोगों ने उल्लासनगर का उल्लास करने के लिए आगे आना चाहिए, कुछ प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है इसका भी वजह ढूंढनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं आपके माध्यम से फिर एक बार उल्लासनगर वासियों को उल्लासनगर के स्थापना दिन के हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।